नौवीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आज आगाज हो गया है। 20 जनवरी तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने विधिवत रूप से शुभारंभ किया। खिली धूप के बीच प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर चौपर से काजा हेलीपैड पहुंचे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने काजा पहुंचने पर सीएम का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। इस दौरान काजा वाद्य यंत्रों की धुन से गूंज उठा। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 में हिस्सा लेने वाली टीमों में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, चंडीगढ़, दिल्ली, आईटीबीपी, लद्दाख और लद्दाख की टीमें शामिल है। लाहौल स्पीति के काजा में पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जा रहे हैं। इसमें डांस ऑन आइस हॉकी काजा स्कूल की छात्राओं द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।